तो दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट टू में देखा कि इन लड़कियों की बचने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद हंटर नीचे फंसे बैग को लाने के लिए एक रस्सी को बांधती है और नीचे जाने लगती है। अब नीचे उतरते वक्त हंटर का हाथ गलती से फिसल जाता है, जिससे वो मरते मरते बचती है। फिर वो नीचे जाती है और लटक के उस टावर के ऊपर कूद जाती है, और कूदते ही वो सबसे पहले अपनी 2 दिनों की प्यास बुझाती है। बाद में वो जैसे ही ऊपर आने लगती है तो उसका हाथ फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, और अब बेकी घबराती हुई नीचे देखती है तो वो बैग पर लटकी हुई थी, जिसके बाद बेकी उसे ऊपर खींच लेती है। तभी उन्हें बैग में ड्रोन मिलता है, लेकिन उसकी तो बैटरी डेड हो चुकी थी। अब बेकी रात में उस लाइट की तरफ देखती है जो कि ऊपर झपक रही थी, जिसके बाद बेकी ड्रोन को चार्ज करने का सोचती है, और वो उस पोल के ऊपर चढ़ जाती है और बल्ब को निकाल के ड्रोन को चार्ज पे लगा देती है, जिससे ड्रोन चार्ज होने लग जाता है और वे बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। तभी चारों तरफ गिद्धों का झुंड मंडराने लगता है, लेकिन बेकी जैसे तैसे करके ड्रोन को चार्ज कर लेती है और नीचे उतर जाती है। आखिर उन लड़कियों के साथ आगे क्या हुआ, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब